उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के नाम से मशहूर नोएडा शहर में भूमाफियाओं के बड़े बड़े खेल लगातार जारी हैं। इस शहर के बीचों बीच स्थित सोरखा गांव में चल रहे अवैध खेल के मामले में बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। जी हां, आपको बता दें कि चेतना मंच ने 5 जनवरी व 12 जनवरी 2023 को नोएडा के बीचों बीच स्थित ग्राम सोरखा जाहिदाबाद के खसरा संख्या 18 की 43 बीघा जमीन पर हुए घोटाले का पर्दाफाश किया था। हमने बताया था कि कैसे एसडीएम दादरी के न्यायालय में चले मुकदमे में नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही एवं पैरोकारी के अभाव में बेशकीमती जमीन को आबादी की जमीन घोषित करा लिया गया। इलाहाबाद न्यायालय तक से हारने के बाद अब नोएडा प्राधिकरण ने देश की सुप्रीम अदालत की शरण ली है। इसी प्रकरण में अब नया कारनामा उजागर हुआ है। इस कारनामे से साफ जाहिर है कि कैसे राजस्व अधिकारियों एवं नोएडा प्राधिकरण के अफसरों की मिली भगत से भू माफिया के हौसले बुलंद हैं, जो जमीन एसडीएम दादरी की न्यायालय से वर्ष 2014 में आकर्षक घोषित की जा चुकी एवं जिसका मुकदमा लड़ने नोएडा प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट की शरण में गया है। उसी जमीन खसरा संख्या 18 में 5000 वर्ग मीटर जमीन दीपचंद हरदास तथा चमन द्वारा मैसर्स नियोन बिल्ड कोन प्राइवेट लिमिटेड 80 विनय ब्लॉक द्वितीय तल लक्ष्मी नगर दिल्ली निदेशक अभिनव गुप्ता निवासी रतन अपार्टमेंट कवि नगर गाजियाबाद के पक्ष में विक्रय कर दी गई। जमीन का बैनामा होने के बाद तहसीलदार दादरी के न्यायालय से खरीदार नियोन बिल्ड कोन प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में इस जमीन का दाखिल खारिज भी हो गया, जबकि जमीन 2014 में ही आबादी घोषित हो चुकी थी और तहसील न्यायिक दादरी का दाखिल खारिज का अधिकार नहीं रह गया था। इतना ही नहीं, एक खेल यह भी हुआ है कि इस भूमि का बैनामा कृषकों दरों वाली भूमि के नाम पर कराकर स्टैंप की बड़ी चोरी भी की गई है। मामला यही नहीं रुका, बल्कि नियोन बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा खसरा संख्या 18 में खरीदी हुई 5000 वर्ग मीटर जमीन की पुनः बिक्री मैसर्स न्यूटेक इंफ्रा बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में कर दी गई। तहसीलदार दादरी के न्यायालय द्वारा इस खरीद फरोख्त का भी दाखिल खारिज बिना किसी अधिकार के अप्रैल 2021 में कर दिया गया। आरोप है कि यह सारा खेल मोटा लेन देन करके किया गया। नोएडा प्राधिकरण जो कि इस जमीन को आबादी की जमीन घोषित किए जाने की एसडीएम से लेकर उच्च न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट की दौड़ लगा रहा है, उसी के नाक के नीचे उक्त भूमि पर अवैध कमर्शियल मार्केट बनाकर भूमाफिया लोगों को फर्जी तरीके से एक एक दुकान करोड़ों रुपए मूल्य में बेचकर प्राधिकरण को अंगूठा दिखा रहे हैं। यहां तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी इस सबसे अनजान होने का नाटक कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अधिकारी किसानों के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं, लेकिन भू माफियाओं के साथ मिलकर प्राधिकरण को अरबों रुपए का चूना लगा रहे हैं। सोरखा के 43 बीघा जमीन में से जिस 5 बीघा जमीन पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़ा किया गया है, उस निर्माण की जानकारी तब सामने आई जब एक सामाजिक कार्यकर्ता ने सेक्टर 76 में न्यूटेक इंफ्रा बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाई जा रही कमर्शियल मार्केट में ग्राउंड फ्लोर पर एक दुकान की बुकिंग करनी चाहिए। न्यूटेक इंफ्रा बिल्ड कंपनी का प्रचार पैम्पलेट देखकर उस व्यक्ति को शक हुआ। उसने नोएडा प्राधिकरण में उक्त बिल्डर के बारे में छानबीन की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पता चला कि सेक्टर 76 में न्यूटेक इंफ्रा बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के नोएडा प्राधिकरण से कोई भी कमर्शियल भूखंड आवंटित नहीं हुआ है, यानी सारा खेल अवैध ढंग से खेला जा रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि छोटे छोटे कस्बों व गांवों में रोज चलने वाला बाबा का बुलडोजर नोएडा में क्यों नहीं चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि नोएडा के खेल में बाबा का भी कुछ मेलजोल हो गया है।